हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो THDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है, जिसमें आप लोगों को पैकेज 16 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि THDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक मिनी रत्न PSU है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर दीजिए नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें फर्स्ट है इंजीनियर ट्रेनी सिविल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 25, मैकेनिकल वालों के लिए 30 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन के लिए 5 वैकेंसीज है। टोटल कुल मिला के 100 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशंस की बात करें सो फर्स्ट है इंजीनियर ट्रेनी सिविल के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTech किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTech किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आप लोग मैकेनिकल और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTech किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTech किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ हर एक डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए आपके BVTech में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए और क्लास 10th एंड क्लास 12th में मिनिमम 65% मार्क्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग गेट 2023 में क्वालिफाई किए हो तो ही इसके एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। विदाउट गेट आप लोग इसके एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में गेट 2023 का जो स्कोर है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग GD में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। गेट 2023 का जो स्कोर है उसका वेटेज 75% है, GD का वेटेज 10% और इंटरव्यू का वेटेज 15% है। उसके अलावा सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग से पहले फर्स्ट आप लोग का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, और सिलेक्शन होने के बाद इनिशियली 1 ईयर के लिए आप लोग को ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा, और उस ट्रेनिंग पीरियड के टाइम आप लोग का पे स्केल E2 ग्रेड के हिसाब से यानी कि 50,000 से लेके 1,60,000 रहेगी। और 1 साल ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप लोग का डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर रहेगी, जिसमें पे स्केल E3 ग्रेड के हिसाब से यानी कि 60,000 से लेके 1,80,000 रहेगी, जिसमें बेसिक पे 60,000 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल CDC 16 लाख पर एनम मिल जाएगी। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रहा गया है। सिमिलरली SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए किसी भी एप्लीकेशन फी पे नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। जो लोग गेट 2022 या तो उसके पहले क्वालिफाइड है वो लोग इसके एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। अगर आप लोग का किसी भी डाउट्स या तो क्वेश्चन है तो आप लोग इसी मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और इसमें आप लोग 29 मार्च 2024 तक अप्लाई कर पाओगे।
तो फ्रेंड्स ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।